माटी देखे सैटेलाइट निजेदर दे विस्तार करी एसएल ग्रुप भविष्यते शाफले रारु शिखर चुबें थाना नोपुई बाचोर पुरती रोनुष्ठने बोलें रोड़ान मुंशी हर संकट को अवसर में पलटने का प्रयास करना और कोई सोच सकता है कि सॉइल से लेकर के सैटेलाइट तक अपने आप को विस्तार कर देना आज भी आपने देखा होगा उन्होंने अपनी पूरी ताकत जो नया विजन दिया है जिसको मैं कहूं तो एक सोशल एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है और ये बात बनिया ही समझ सकता है कि इसमें भी कमाई होती है कभी हमारे पूर्वज थे पानी का संकट होता तो तो परब बनाते थे अब नई पीढ़ी है पानी का संकट है तो उसका व्यापार भी बनाया जा सकता है सरकार ने पानी को लेकर के पर ड्रॉप मॉर क्रॉप मिशन बोर्ड में काम लिया है मुझे विश्वास है कि जिस काम में एसएल ग्रुप ने रुचि दिखाई है वो उसमें जरूर सफलता पाएंगे कूड़े कचरे से भी कंचन बनाया जा सकता है और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का ये भी एक तकाजा है कि जब स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो उसमें बहुत बड़ी बिजनेस एलिमेंट भी बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी मात्रा में युवा सोशल एंटरप्रेनर के रूप में वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करने की दुनिया में आ रहे हैं एसएल ग्रुप ने भी वो दिशा में नई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं मैं उनका स्वागत करता हूं एक है सारथी और दूसरा है डीएससी फाउंडेशन दोनों में इस परिवार के संस्कारों की पहचान है मैंने नंदकिशोर जी को बहुत निकट से देखा है अबरोहा में अग्रसेन संस्थान के लिए किस प्रकार से वो जुटे रहते थे वहां अस्पताल बनाना हो मेडिकल कॉलेज बनाना हो वहां शिक्षा की व्यवस्थाएं करना हो और उसी संस्कार के दर्शन इस सारथी में भी नजर आ रहे हैं ये डीएससी फाउंडेशन में भी नजर आ रहे हैं 2022 भारत की आजादी के 75 साल हैं। हम अभी से संकल्प करें हम देश के लिए कुछ न कुछ आने वाले पांच साल के लिए संकल्प लेकर के शुरुआत करें 2022 में जब आजादी के 75 साल मनाएंगे तब हम भी इस देश को आगे ले जाने में कुछ न कुछ किया होगा इस संतोष की अनुभूति करेंगे